kids, welcome back to Selsa Sabina's channel. तो यहाँ पर ईवा ने आज मेरा व्लॉग स्टार्ट किया है। ईवा थैंक यू, आपने मेरा व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैं बना रही हूँ आज मेथी के परांठे और आज फर्स्ट टाइम मैंने बहुत फेवरेट है, आई लाइक इट। नहीं, थोड़ी देर पहले तो ये बोल रही थी मुझे पर नहीं मुझे पता नहीं था कि मम्मा मेथी के परांठे बना रही है। यहाँ से ईडन सोकर उठ के गई है, खेस पड़ा हुआ है और ये अभी मैंने सोना है, मेथी निकाल के मैंने रख दी है। तो अभी निकाल रही थी मैं इसके और इसको इनको परांठे बना के देती हूँ और आप लोगों के साथ आज इसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ मेथी के परांठे। और शाम का टाइम और गाइस कुछ दिनों बाद हमारा भी ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है, तो देखना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कुछ दिनों के बाद हम लोग ईवा लोगों का एक चैनल बना रहे हैं जो कि है क्रिसमस के हमारी छुट्टियां मिलेंगे तब हम रोज डेली दोपहर को हम अपना एक एक ना एक ब्लॉग तो डाले करेंगे। ये दोनों बहनों का वो असल में चैनल होगा और जिसमें ये क्रिएटिविटी कोई भी काम कर सकती हैं, जैसे कोई भी एक्ट ट्राई कर सकती हैं या फिर गेम्स खेलेंगी। yes. तो वो आप लोगों को आप मिलेगा, देखना मत भूला, बहुत अच्छी अच्छी गेम्स हुआ करें। और जब हम फर्स्ट वीडियो डालेंगे हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। और आज ईवा के लिए बड़ी खुश है ईवा, इसलिए क्योंकि आज क्या हुआ है, आज से मेरे पेपर खत्म हो गए क्योंकि अभी मेरे सिर्फ दो ही पेपर रहते हैं। ये अभी मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी, ईडन आएगी फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा खेलूंगी, उसके बाद मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लूंगी, बाकी मैं सब कर लूंगी। और गाइस जिनको जिनको मेरा चैनल का नाम नहीं पता है ना, मैं आपको अभी से ही बता देती हूँ, हमारे चैनल का नाम है स्वीट सिस्टर्स। और जब वो रिलीज होगा ना हमारे चैनल, तब मैं आपको जरूर बताऊंगी मम्मा के चैनल पे आके। अच्छा, तो आज इसके ओरल रिटर्न पेपर खत्म हो गया, सिर्फ दो ही पेपर ओरल बचे हैं। हाँ, तो जिसकी मतलब वजह से ये बहुत ज्यादा खुश है। और आज बेजुबानी तो मतलब बेजुबानी मतलब मुझे ओरल ना बहुत ही जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्ले वेट कर देती हूँ। तो अभी आपके लिए मैं मेथी के परांठे बनाती हूँ और ईडन ट्यूशन जा चुकी है, ईडन ट्यूशन जा चुकी है और ईडन की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज देखने वाले हाउस ईडन के लिए प्रे कर दीजिएगा। सारा रूम सेट है और ये बच्चे ने ईडन की बॉल उधर लेके गई थी, तो बाकी पूरा रूम तो यहाँ पर देखिए आप सेट हो रहा है। यहाँ पर मैंने वेजीज लिए थे वो पड़े हुए हैं और बच्चों की बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, बस यही रहता है काम और इनको समेटना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडन की नेबुलाइज मशीन ज़मीन पर पड़ी है क्योंकि वो बेड पे लेटी थी तो मैं उसको करा रही थी, तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और ईवा ने अपनी बॉटल यहाँ पर ला के रखी थी। तो जी आज बना रही हूँ मेथी के परांठे और इसको फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। इसको मैंने खांसी के लिए दी थी इसीलिए ये भी यहाँ पड़ी है और मैं इसको साफ़ कर रही थी। और आज मैं दिखाऊँ मैंने इसको कैसे साफ़ किया, ईवा मेरी वीडियो शूट करो, मैं दिखाऊँगी गाइस को कि मैंने कितने आसान तरीके से 10 मिनट में ही ये कर लिया। और ये हैक मैंने यूट्यूब से ही सीखा है और ये इसलिए पढ़ा कि ईडन सोकर उठ कर गई है और यूनिफॉर्म अभी मैंने सो रखा है क्योंकि ये वॉश करना है, इस वजह से यहाँ पड़ा। और ये देखो इतनी 10 मिनट में मैंने बस निकाली होगी, 10 मिनट से भी पहले। तो मैं दिखाती हूँ आपको ईवा मेरी वीडियो शूट करेगी, आपको फेक तरीका भी बताऊंगी कि रियलिटी में कितना देर लंबा टाइम होता है। हाँ, मैंने ना वैसे सारी मेथी ले ली थी तो बस मेरे पास ये एक ही बचा हुआ पड़ा है और ये भी लंबा नहीं है इतना, तो मैंने ये सारी बना ली है फटाफट से क्योंकि मुझे परांठे ही बनाने थे, तो मैंने इतनी मेथी ली भी नहीं। तो ये देखो इसको मैंने ना ये जो छोटे सुराख होते हैं ना, अभी भी देखो मैं सुराख से निकाल इसको मैंने यूँ डाला था और यहाँ से ना यहाँ से इधर दिखाओ ईवा और से दिखा और यहाँ पर मैंने इसको डाला और मैंने यूँ खींचा, देखो पत्ते यहाँ पर रह गए और ये डंठल इसका मेरे हाथ में आ गया, डंठल इसका मेरे हाथ में आ गया। और गाइस मैं आपको इसका फेक तरीका भी अभी बताती हूँ, मम्मा पकड़ो। और ये देखो मेरे पास मैंने सारी मेथी तो बना दी पर ये अभी मेरे पास ये ऐसे पत्ते दो तीन बचे थे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाओ। तो ये देखो इस तरह से ये जो छोटे वाले सुराख है ना, ईवा नीचे करो कैमरा, ये वाला जो छोटे वाले सुराख है ना, ये देखो छोटे वाले सुराख है, इनके अंदर यूँ डालना है, इसको यूँ डालना है। ये देखो मैंने इसके अंदर डाल दिया, कैमरा फोकस करे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ। और इसको डालने के बाद इस तरफ से यूँ खींच देना है,
ये देखो डंटल मेरे हाथ में आ गया, और ये ऊपर करो डंटल मेरे हाथ में आ गया, और ये देखो पत्ते यहाँ पर थे। तो इतनी जल्दी मैंने इसको इसी ऐसे ही पील कर लिया, और अभी मैं So guys, मैं अभी इसको अपना लंबा हाँ, तरीका दिखाऊंगी। और ये देखो इस तरह से पहले हम लोग ऐसे उतारते रहते थे, तो फिर एक जने के लिए इसमें मिर्चे डाल रही हूँ, और इतनी सी मेथी आप लोगों को नजर आ ही रहा है। तो मुझे बस अभी के लिए परांठे बनाने हैं, 5-6 परांठे इसमें अच्छे से बन जाएंगे। ये मुझे आटे में पीसना है, गूंदना है, और ये है जी मसाला मेरा, और इसमें मैं बस नमक डालूंगी और ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इनको आपस में पीस लूँगी अच्छे तरीके से, और फिर इनको आटे में गूंद लूँगी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, अब मैं इसको बस मिक्सी में डालती हूँ और फटाफट से इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। इसको पहले वॉश करना है, इसी वजह से मैंने मिर्ची भी इसी में डाल दी कि वॉश करने जा रही हूँ तो साथ में ये भी वॉश हो जाएंगी। तो वॉश करती हूँ, फिर इनको पीसती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आटा इसका गूंदती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये अच्छे से हो चुका है, अभी इसको मैं आटे में पीस गूंदूंगी। यहाँ पर इसको मैंने फाइनली पीस लिया है, और साथ ही मैंने आटा रख लिया है। मैंने बस इतना सा ही आटा लिया है, और अब इसको इसके अंदर डायरेक्ट ही मैं मिक्स कर। ये आया मेरा कज़न ब्रदर अचानक से, तो फिर घर पे कोई था नहीं, तो अभी इसने खाना तो नहीं खा रहा, लेकिन फिर इसके लिए चाय बनाई है। और ये दोनों बहुत देर से लड़ाई कर रही हैं, ब्लैक बोर्ड पर खेल रही है। और यहाँ पर जी हमारे मेथी के परांठे पक गए थे, तो ये अभी तवे पे ही है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ बताना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी।